हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो गेमिंग हेडफोन है जो विंग्स कंपनी की तरफ से आते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको उसका बॉक्स मिल जाता है। सबसे पहले ऊपर वेडार 200 लिखा है और उसी के साइड में विंग्स की ब्रांडिंग देखिए। बॉक्स के साइड में आपको कुछ कीस पैक्स लिखे हुए दिख जाते हैं। उसी तरह बॉक्स ओपन करें तो सबसे पहले आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, 1 ईयर का वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाता है और लास्ट में आपको अपना जो हेडफोन है वो देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर में आता है। अब अगर हमारा हेडफोन की बात करें तो फुल ब्लैक कलर में हेडफोन देखने को मिल जाता है और फुल प्लास्टिक बॉडी आपको हेडफोन की देखने को मिल जाती है। अगर आप हेड्स की बात करें तो राइट वाले हेड पे विंग्स की ब्रांडिंग है और लेफ्ट वाले का भी आपको सेम टू सेम हेड देखने को मिल जाता है। और आपको लेफ्ट वाले हेड में कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जिसके वॉल्यूम कंट्रोल और माइक को ऑन ऑफ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्विच देखने को मिल जाता है जिससे आप माइक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब उसके माइक देखेंगे तो आपको देख सकते हैं कितना सही साठ माइक दे रखा है, मतलब ये फोल्ड हो जाता है, एकदम फ्लश हो जाता है, अच्छे से आपको एकदम दिखता नहीं है। और आप उसको ऊपर से नीचे कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल भी है। इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है तो अपने हेड के हिसाब से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर का जो पार्ट है वो भी आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। और इसकी पैडिंग्स की बात करें तो पैडिंग्स काफ़ी सही दे रखी है। अंदर की साइड आपको पैडिंग नहीं मिलती, बाहर की साइड पैडिंग है। अगर उसको 3-4 घंटे भी यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा कुछ पेन वेन होता नहीं है। और ऊपर वाले हेड की साइड में भी आपको पैडिंग देखने को मिल जाती है। अंदर देखेंगे तो आपको सबसे पहले इस साइड आर लिखा है और लेफ्ट वाले की साइड में एल लिखा हुआ है। और उसके बाद हम इसकी बात करें इसकी केबल की तो इसके अंदर आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाती है तो इसके अंदर कुछ कटने वटने का डर होता नहीं है। और उसके अलावा अगर हम केबल के एंड में देखेंगे आप तो आपको 2 पिन्स देखने को मिल जाती है। एक तो USB पिन आपको देखने को मिल जाती है जिसको पावर सप्लाई कर देती है और आपको एक और पिन देखने को मिलती है जो 3.5 mm वाली पिन है जिससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और आपको गोल्ड प्लेटेड देखने को मिल जाती है। और आप जैसे हेडफोन को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो आपके जो दोनों हेड्स वहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है। इसके अंदर आपको 7 कलर की RGB लाइट्स देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी सही लगती है। और आप ध्यान से देखेंगे तो जो उसका माइक्रोफोन है वहाँ पर भी एक छोटा सा पार्ट दे रखा है जब एक ब्लू कलर की लाइटें चलती है उसमें चेंज कलर नहीं होता है, बस जो हेड्स में दे रखी है LED लाइट्स उसका ही कलर चेंज होता है। उसके अंदर 7 कलर दे रखे जो फ्रीक्वेंटली अपने आप चेंज होते रहते हैं, इसके लिए आपको चेंज वेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये तो बात हो गई बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर आप अपन साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 40 mm के 2 ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सही परफॉर्मेंस दे देते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए इसका टेस्ट भी कर दिया जिससे आपको पता चल जाए कि हेडफोन किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो एक बार उस पर भी नज़र डाल लो। तो आपको पता चल ही गया होगा साउंड टेस्ट और गेमिंग टेस्ट देख के कि ये हेडफोन किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। अगर इसके माइक्रोफोन्स की हम बात करें तो मैंने इसका भी आप लोगों के लिए टेस्ट कर दिया है जिससे आपको पता चल जाए कि माइक्रोफोन किस टाइप से परफॉर्मेंस देते हैं आपको, तो आप उस पर भी एक बार नज़र डाल लो। तो आप जो भी आवाज़ सुन रहे हैं वो इस हेडफोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है जिससे आपको पता चल जाए कि माइक्रोफोन किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आप गेमिंग वेमिंग कर रहे हैं तो आपके सामने वाले पार्टनर को किस टाइप से आवाज़ जाती है। अगर आप अपना माइक अपने जो पास में रखा है तो इस टाइप से आवाज़ आती है, और थोड़ा सा माइक को आप दूर कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपके माइक में से आवाज़ आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरीज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, इस टाइप के वीडियोज़ आते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।